हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ पराठे। आलू गाजर मटर टमाटर की जो सब्जी बनाई थी ना, तो बच्चों को ना उसके पराठे खाने, तो उसे ना मैंने सिल पर पीस के और पराठे बना रही हूँ। सिल पर पीस लिया है 4-5 किलो को, हल्का दरदरा सा करना, ज़्यादा बारीक हो जाता है, इतना बारीक नहीं करना। तो बस डबल रोटी करके इसके पराठे बन रहे हैं। सिंगल में तो बनते नहीं है ये, डबल रोटी बना के उसके अंदर भर के स्टफिंग जब बनते हैं। और सानिया लगा रही है झाड़ू। हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है मार्केट। आज हम सरोजनी मार्केट जा रहे हैं, सानिया कुछ कपड़े वगैरह लाने थे, काफ़ी टाइम से बोल रही थी, और कहा चलो आज ले के आ जाते हैं। तो बस इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। आज सैटरडे है तो रियान की भी छुट्टी है, रियान का पीटीएम है आज, और सानिया की तो रहती है छुट्टी, तो इसी वजह से आज टाइम था। तो चलो मैं होके आ जाते हैं। तो मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, नाश्ता करके तैयार होके मिलते हैं आपसे। जल्दी खा लो फटाफट, अचार वचार कुछ दे दो। सानिया को ना मैंने रियान के साथ भेजा था रियान के पीडीएम में, तो सानिया अभी अभी आई है वहाँ से पीडीएम में से, तो नाश्ता कर रहे हैं दोनों। मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी चलते हैं मार्केट। सारा काम वगैरह सब हो गया है हमारा घर का जो भी है, तो टेंशन फ्री होकर जाएंगे। और रियान तुम क्या खाएगा बेटा दिन में? तो रियान खाएगा मैगी, रियान बोल रहा हूँ मैगी खा लूँगा दिन में। तो बस चलते हैं यहाँ शाम तक के लिए टेंशन फ्री होके, आते आते शाम ही हो जाएगी जाना आना। और मैं और सानिया और अफसाना बाजी जा रही हैं और सिम्मी आ रही है उधर से, तो हम देखते हैं क्या क्या मिलता है। और बच्चे ना नाश्ते के साथ साथ वो देख रहे हैं सौरभ जोशी ब्लॉग, रियान को बहुत ज़्यादा पसंद है वो, रियान उसके ना सारे एपिसोड देखता है। धूप निकल रही है ऊपर, मैंने कपड़े भी धो के सारे सुखा दिए ऊपर जो अपने थे नहा के, और जो डस्टिंग वगैरह कपड़े थे सारे धो के ऊपर सुखा के आ गई थी मैं कि धूप है सूख जाएंगे, वरना नीचे डालती ना तो स्मेल हो जाती ठंड में। तो अभी चलते हैं लेने के लिए। चलो भाई देर हो रही है, जल्दी जल्दी। अम्मा के लिए आईफोन आया, अम्मा चला लेंगे आईफोन। आता है चलाना? आता है यूट्यूब चलाना है। सौरभ जोशी की अम्मा को भी आईफोन चलाना आता है। आंटी की चप्पल ले लूंगी। मार्केट से हम आए थे 4:30 बजे और अभी बज रहे 8। आने के बाद मैं इतनी थकान हो गई थी कि कभी मेट्रो से जाते हैं ना ट्रेन से जीने चढ़ने उतरने में इतनी थकान हो जाती है कि बहुत ज़्यादा जाते आते नहीं है, तो इस वजह से तो हम लेट गए थे। और मुझे तो दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था गर्दन में कि फिर मैं लेट गई, सब में भी दर्द हो रहा था, सानिया को भी हो रहा था। तो लेट गए, चाय पी थी आकर, फिर उसके बाद लेट गए और अभी उठी हूँ। अभी खाना बनाने की तैयारी हो रही, खाने में दाल बना रही हूँ, साबुत मसूर की दाल बनने रख दी, दूध भी गर्म कर दिया और यहाँ पर दाल छोंकने की तैयारी कर दी। ये काट दिया हरा धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन छीन दिया, प्याज काट नहीं है अभी, और टमाटर भी काट कर दिए। आटा ना सानिया ने बोला था कि चलो दोनों माँ बेटी ना मिलके कर लेते हैं, उसको भी दर्द हो रहा है सर में, मुझे भी हो रहा है। तो अभी बस रोटी डाल ली, इसके पापा आएंगे जब, और वहाँ का कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना कि फ़ोन ना गिरने का भी डर था और कोई छीन ना ले फोन, उसका भी डर था, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी बहुत ज़्यादा।
कि जो सैटरडे और संडे को ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर, क्योंकि ऑफ रहता है ना 2 दिन, तो सभी लोग शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर। इस टाइम तो सर्दियों का इतना अच्छा सीज़न चल रहा है कि बहुत अच्छा, सर्दियों का ही सारा कर जितने भी सब कुछ मिल रहा है, कपड़े वगैरह सर्दियों के ही हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा थी कि आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पीछे वाले ही धक्का मार मार के आगे पहुँचा देंगे। और सानिया क्या क्या लेकर आई मैं अभी दिखाऊंगी, जब इसके पापा आएंगे तो मैं तभी ब्लॉग बनाऊंगी, उन्हें भी दिखा दूंगी और आप लोग भी देख लेना। तो बस अभी ना थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है, अभी उठी हूँ और अभी ना मैंने ब्लॉग भी अपलोड करा है वॉइस करके, सारा जो ब्लॉग है सारा वॉइस वाला ही है। तो वॉइस वाला ब्लॉग मैं बना तो देती हूँ, लेकिन मुझे ना वॉइस करने में बड़ी आफत आती है, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो मैं बस कैमरा लगा देती हूँ फोन, और कुछ भी जो सूट हो पाता है मेरे से कर देती हूँ। इतने ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं रोज़ डालूँ इतना नहीं मुझसे होता। मैंने अभी जो एडिटिंग करी है ना उससे मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बस जो भी 2 दिन 4 दिन में जो मुझसे भी हो पाता है बस वही मैं डाल देती हूँ। और खाना आज बाहर से मंगाने का मन था कि बाहर से मंगा लो, लेकिन सानिया खाती नहीं है नॉन वेज, फ्रिज के लिए भी बनाना था तो मैंने सोचा सबके लिए बना देती हूँ, तो इसलिए बस दाल का ही मेरे पास ऑप्शन था कि दाल बना लूँ। मेरा नीचे जाने का मन था सब्जी के लिए जब आई थी, तो मैं जब लेकर ना आई, क्योंकि अब तो ऐसा लग रही थी कैसी घर पहुँच जाओ। मैं लेके आई हूँ ये सारे कपड़े तो अगर दिखा दी तो ये है, खड़ा हो जा मैं भी ये है एक टी शर्ट, सब दिख रहे हैं ये देखिए कैसी है पापा, पापा इस पर लिखा हुआ अच्छा है ये वाली पहन सको, मुझे भी आ जाएगी बना लियो, आ जाएगी मुझे भी आ जाएगी, पहन के देखो एक बार ये गिरा दी ये देख ये देख। अब मैं दिखाती हूँ अपने कपड़े, तो ये है मेरे सारे कपड़े, जीन्स देखो कैसी लग रही है बताओ। पहले चलता था ये कपड़ा, आपने पहनी है तो दिख भी रहा है, हाँ दिख रहा है। तो एक ये जीन्स हो गई ठीक है, ये तो ये हो गई मेरी एक जीन्स। उसके बाद है एक ये वाला टॉप देखो, ये तो लग रहा है अम्मी देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, पापा ने सच बोल दे है। उसके बाद है मेरी ये एक श्रग, अच्छी है भाई पहन लो किसी के भी पहन लो, ऊपर पहन लो, यस ना। एक ये है और इसके साथ है इसके मैचिंग की जीन्स, यस बताओ हो गया ना मैच, ये दिखाऊंगी अभी ठीक है। पैंट्स है पैंट्स में मत ले टॉप, ये अच्छा लग रहा है टॉप। और एक ये कितने का होगा बता दें, ये तो गाइस देखो तो पहले से पता ना चल रही, मैंने वहां पहन के नहीं देखे थे ऐसे लग रहा बढ़िया यार, मैं पहन सकूं मुझे से आ जाएगी, नहीं जींस ऊपर से नहीं आने की वैसे तो आ जाएगी, एकदम यंग से लग रहे हो बॉडी वॉडी बन रही है पापा, ऐसे करना ऐसे ओ ओ बाबा मैं लास्टिक है ना इस वजह से लग रही है थोड़ी सी, गई ना बॉडी। चलो पापा को हमारे ब्लॉग में खुजाना जरूर होता है, अब भी कुछ आ रहे हैं आज हमारे ब्लॉग को एंड ये करेंगे, कह रही हूँ आज ब्लॉग का एंड कर दो है।
कर दो ना, तो मेरे कपड़े सही है, दाढ़ी बढ़ रही है। दाढ़ी से क्या होगा बढ़ने से? दाढ़ी बढ़ने से व्लॉग का एंड नहीं होता। व्लॉग मैं करूंगी, व्लॉग दाढ़ी वहां पे, दाढ़ी इधर है, इधर है। नहीं मैं सानिया को बता रही हूँ, दाढ़ी इधर है, दिखाओ ना। अभी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक अगले अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सारे रिहान व्लॉग विद 20 रुपए के चश्मे के साथ है। 20 रुपए के चश्मे बता रहा जवान, कैमरे से हट गई, कैमरे से हट गई जवान, चले कैमरे के आगे चलाओ। परफ्यूम बेच रहे थे ना गुच्ची पुच्ची की, तो वो क्या कर रहे हैं, 100 रुपए का दे रहे थे, अब कह रही 20 रुपए का दे तो बता, बेल्ट वाला 20 का दे रहा तो बता। और वो कम कर भी देख रहा, लेकिन हाँ। भी चली जा रही आगे, और सो बिल्कुल देने को तैयार हर चीज। सो गाइस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज तो कर दो।